ब्रजेश सिंह परिचू जौनपुर से। आपको बता दें बड़ी खबर, ब्रजेश सिंह जौनपुर से सबसे पहली जीत इन्होंने ही हासिल की थी, इनकी बड़ी खबर सबसे पहले आई थी। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर बिजनौर मुरादाबाद से, बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सैनी यहां से जीत गए हैं। सपा उम्मीदवार अजय मलिक की इस सीट पर हार हो गई है। तो बिजनौर मुरादाबाद सीट से भी अहम खबर मिल रही है, बीजेपी उम्मीदवार की जीत यहां से भी हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां पर भी जश्न मनना शुरू हो चुका होगा, जो जनादेश है उसके हिसाब से लगा रहा हूँ। अच्छा, देखिए रामगोपाल जी ने कहा था कि अधिकारी जो हैं वो चुनाव में जो है धांधली कर रहे हैं, बीडीसी का सदस्य को जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप उनके इस बयान से इत्तफाक रखते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि फेयर चुनाव हुआ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी? अब वो जो बीडीसी सदस्यों के स्तर पर है, चाहे प्रधान जो मतदाता के स्तर पर है, वो सारा खेला तो चलता रहता है। जो सामर्थ्यशाली होता है वो अपना काम करता है। मैं गरीब था इसलिए मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं था, इसलिए मैं ये जंग हारा। प्रत्याशियों ने आरोप लगाया सपा के हारने के बाद कि धनबल का प्रयोग किया गया और तमाम जगहों पर जो है वोट नहीं करने दिया गया, इसलिए काउंटिंग में जो है तमाम वोट पहुंच ही नहीं पाए, तो इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। प्रयोग को जबरदस्ती तो करता नहीं है, जब मतदाता धनबल ग्रहण करता है तभी ना कोई प्रयोग करता है। हम तो मतदाताओं के बीच में गए थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कहा था लेकिन परिणाम में वो नहीं दिखा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने हथियार डालते हुए दिखाई पड़े, तमाम जगहों पर ये तस्वीर हमने देखी है, तो और यहाँ से भी प्रस्तावक जो है लखनऊ चले गए थे जब अखिलेश जी ने बुला लिया था, तो यहाँ से जो तमाम जो है, तो यहाँ क्या स्थिति रही? गोरखपुर में न कोई झुका न भूका न डिगा, हमारे प्रस्तावक भी हम लोग भी पूरी मुस्तैदी से स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस चुनाव को लड़ने का काम किए। तो देखिए ये है ऋषि यादव जी, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट है उस आने के बाद ये कहा जा सकता है कि अभी समाजवादी पार्टी के लिए जो है फिलहाल एक बड़ी